I am Team Barok. मैं मिट्टी में फंस गई और मुझे कोई बाहर निकालो यहाँ से। बंदूकनी जी आप ठीक तो हैं? रही और रास्ते पर इतनी मिट्टी कौन फेंक गया है? पता नहीं मैडम जी, पिछले कुछ दिनों से रोज सुबह कोई रास्ते के किनारे ये मिट्टी का ढेर छोड़ जाता है। इसे साफ करते करते तो हमारी कमर में दर्द होने लगा है। आ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जोगावर जनरल स्टोर्स। ओए क्या ये वही जोगावर है? चलो चल के देखते हैं। आइए, क्राइम का पावर, मेरा मतलब है अच्छाई का पावर, बन गया अच्छा आदमी जोगावर। आओ रे बावरी बूझ भैंस की पूछ, यो क्राइम मास्टर जोगावर को यो अच्छाई का कीड़ा कहाँ से काट गया? अब क्या कहें बंदूक ने जी, कानून के हाथ और आपकी लात ने मुझे सिखाई दिया कि बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों, सही कहा ना चाचा भतीजा? ओ बिल्कुल सही कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने लाला राम से ये दुकान खरीद ली, आज से जोगावर सिर्फ मेहनत की कमाई खाएगा, सिर्फ मेहनत की। ओए फिकर लॉर्ड जी, तेरी मेहनत की कमाई की शुरुआत मैं करवाता हूँ। ओए बोल भतीजे, क्या खरीदेगा जोगावर की दुकान से? चाचू मुझे एक लॉलीपॉप चाहिए। ओ, जरूर भतीजे, कहाँ रख दिए लॉलीपॉप? ओ कहाँ रख दिए, कहाँ रख दिए, कहाँ रख दिए लॉलीपॉप? लॉलीपॉप यहाँ सामने वाले डिब्बे में पड़ा है और जोगावर दुकान में यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है। उसी की दुकान और उसे ही पता नहीं की चीजें कहाँ रखी है। जोगावर अंकल, लॉलीपॉप यहाँ पर है। आ? अरे हाँ, लॉलीपॉप तो यहाँ है। ये लो लॉलीपॉप। पावर, क्राइम मास्टर जोगावर, बैंक बाहर से बंद फिर भी मैं बैंक के अंदर हिचका हिचका। लगता है सिक्योरिटी गार्ड बैंक का दरवाजा खोल रहा है, भागने का समय आ गया। समझ में नहीं आ रहा कि बैंक में चोरी हुई कैसे। अब बैंक मैनेजर ने बताया कि बैंक बंद करते वक्त सिक्योरिटी गार्ड ने अच्छी तरह चेक किया था कि बैंक के अंदर कोई नहीं था, कोई खिड़की या दरवाजा भी टूटा हुआ नजर नहीं आया। चोर आखिर बैंक के अंदर घुसा कहां से? ओ फिकर नॉट जी, ओ जुगावर की दुकान पे शरबत पीकर ठंडे दिमाग से सोचते हैं। ओए जुगावर, ओ ठंडी ठंडी शरबत पिला दे यार। शरबत? क्यों नहीं जरूर। मैंने शरबत की बोतल कहाँ रखी है? शरबत पीछे फ्रिज में है, मैं आपकी मदद करता हूँ। अंदर मत आना, मेरा मतलब है आप क्यों तकलीफ करते हो, मैं हूँ ना। ये जुगावर मुझे अंदर आने से क्यों रोक रहा है और इसके हाथों और जूतों पर ही मिट्टी कैसी? जरूर कुछ गड़बड़ है। यो चोर तो दिन ब दिन चालाक होते जा रहा है। हम अच्छे आदमी क्या बने, दुनिया चोर बन गई। हाँ बंदूकनी जी, चाचू मुझे जोगावर पर शक है, मुझे लगता है कि बैंक की चोरी में जोगावर का ही हाथ है। क्या बात कर रहा है भतीजे,
जुगावर तो एक शरीफ इंसान बन गया है। बना नहीं है चाचू, बनने की एक्टिंग कर रहा है। उसके हाथ और जूतों पर मिट्टी के निशान थे और रोज सड़क के किनारे पर कोई मिट्टी फेंक जाता है। मुझे शक है कि इन दोनों बातों में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। हमें उसकी दुकान के अंदर देखना होगा। अंदर? हम उसकी दुकान के अंदर कैसे देखेंगे? एक तरीका है। बच्चों, जिस फंटूस चॉकलेट का तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो चॉकलेट इस दुकान में आ गई है। फंटूस चॉकलेट, ये। अंकल, हमें फंटूस चॉकलेट चाहिए। मुझे दो देना। क्या? फंटूस चॉकलेट? ऐसे भी कोई चीज होती है क्या? रुको, मैं देखता हूँ। अंकल, हम ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं। ये शरीफ आदमी बनना कितना मुश्किल काम है। कितने प्यारे बच्चे हैं। शक सही निकला। जुगावर ने बैंक तक सुरंग बनाकर चोरी की। अरे इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे सोच लेते हो है? और अब वो म्यूजियम तक सुरंग बनाकर वहाँ चोरी करना चाहता है। यानी कल जब फंटूश नगर का म्यूजियम बंद होगा तब जुगावर वहाँ चोरी करेगा। मैं अभी जाकर उसे अरेस्ट करती हूँ। रुकिए बंदूकनी जी, जुगावर ने हमारे साथ इतना खेल खेला है तो हमें भी उसके साथ थोड़ा खेलना चाहिए ना। आइडिया। अब ये मैप जुगावर को उसकी असली जगह पर पहुंचा देगा। ओए पतीजे, हम इन डरावने डॉगीज की गली में क्यों आए हैं? चाचू, मैंने मैप में जो चेंजेस किए हैं उस हिसाब से जुगावर इसी गली में बाहर निकलेगा। अरे वाह, बिस्किट्स, बहुत भूख लगी है, खा लेता हूँ। रोजे, लगता है हम कोई गलत जगह पर आ गए। सॉरी दोस्तों, मुझे ये बिस्किट नहीं चाहिए। ये लो। और ये मेरी आखिरी चाल। जुगावर, अब तू खुद चलकर हमारे पास आएगा। रोजे, हमने गलत जगह पर सुरंग बना दिया था। मैप के हिसाब से तो सुरंग उस तरफ खुलनी चाहिए। इस बार सुरंग से बाहर पहले तुम निकलोगे। चाचा भतीजा, भागो यहाँ से। यूकी, अरे जुगावर, ये चाचा भतीजा नहीं, उनके मोम के बने पुतले हैं। वो देखो उस बोर्ड पर क्या लिखा है, फंटूश नगर के हीरो, ये वैक्स म्यूजियम सेक्शन है। ओह, मेरी तो जान निकल गई थी। वैसे मोम के पुतलों से हमें क्या करना है? हमें तो इस म्यूजियम के सोने के पुतलों को चुराना है। रोजे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? रोजे, चाचा भतीजा, यहाँ कैसे आ गए? ओहो जुगावर, ये उनका दूसरा मोम का पुतला है। देखो पोज अलग है। देखो। हाँ, बंदूक नीचे। अरे नहीं, ये तो पुतला है।
सोने का पुतला। रोजी रोजी देखो सोने का पुतला। ये सोने का पुतला सबसे मोटा है, इसे लेकर चलते हैं। ओए तुम थक गए होगे जुगावर, ये लो पानी पी लो। थैंक यू। बाबा बाबा बोल। रोजे रोजे सुनो तो, ये म्यूजियम है या भूत बंगला? बचाओ! मुझे माफ कर दीजिए भूतनी जी। रख बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, भूतनी नहीं बंदूकनी। आओ, तो ये सब तुम्हारी चाल थी। भागो रोजे, भागो यहाँ से। बच गए रोजे, हम बच गए। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। ओ पल्ला जी, यहाँ कितनी धूल जमी हुई है, लगता है ये जगह बरसों से साफ नहीं हुई है। वही तो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, फाइल ढूंढने के बहाने ऑफिस की सफाई। आपने कुछ कहा पल्ला जी? कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम ये कपड़ा लेकर वहाँ की धूल साफ करने की कोशिश करो, तभी तुम्हें वो फाइल मिलेगी। संभालो मुझे पल्ला जी, मैं गिर जाऊंगा। अपना हाथ मेरे आंखों पर से हटाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये तो किसी जगह का मैप लग रहा है। ये तो मेरे दादाजी की हैंडराइटिंग है, लगता है ये कोई खजाने तक पहुंचने का मैप है। अब ये खजाना मुझे मिलेगा। ओ पल्ला जी, ओ सपने बाद में देखना, पहले ये मैप देखिए। ओ जी देखो तो, ये मैप किधर का है कुछ समझ में नहीं आता। भतीजे जरा ये दादाजी का बनाया हुआ मैप देख के ये तो बताओ कि दादाजी ने उस जमाने में खजाना कहाँ छुपाया होगा। ये तो फंटूश नगर का पुराना नक्शा है, आज तो फंटूश नगर इससे बहुत अलग नजर आता है। हाँ, ये वॉच टावर आज भी फंटूश नगर में है, और वॉच टावर के दाईं ओर ये ग्रीन डॉट्स, ये क्या हो सकते हैं? हाँ, वहाँ एक आम का बागीचा है, और इन ग्रीन डॉट्स के बीचों बीच ये गोल्डन डॉट, यानी खजाना उस आम के बागीचे के बीच में है। वाह भतीजे, क्या दिमाग लगाया है। चाचू, मैप के हिसाब से तो खजाना यहीं कहीं इन आम के पेड़ों के बीच में ही है। खजाने का कुछ पता भी चलेगा या हम घूमते ही रहेंगे? मिल गई वो जगह, खजाना यही होना चाहिए। चलो खोदना शुरू करो। उए, उए हम कुल्हाड़ी साथ में लाना तो भूल ही गए। चलो अभी के अभी वापस जाकर कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। अगर फिर से मैप में देखकर ये जगह ढूंढनी पड़ी ना तो रात हो जाएगी, इसलिए मैं इस जगह पर ये लकड़ी लगा देता हूँ, इससे हम जल्दी से ये जगह वापस ढूंढ लेंगे। जो भी हो बलवंत, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। अगर तुम सफाई करने ऊपर नहीं चढ़ते तो हमें ये खजाने तक पहुंचने का मैप नहीं मिलता। क्राइम का पावर, क्राइम मास्टर जोगावर। भल्ला कोई खजाने के मैप का जिक्र कर रहा है, मुझे उससे ये मैप छीनना होगा। चल रोजी, मिल गया आज का शिकार।
Come on, Roger. अरे ये जोगावर कहाँ से आ गया? खजाना हमारे हाथ लगेगा। हिचका हिचका। जोगावर ने खजाने का मैप चुरा लिया। मेरे दादाजी का खजाना। अब मैं क्या करूं? चिंता क्यों करते हो भल्ला अंकल? मैंने खजाने की जगह पर एक लकड़ी लगा रखी है। जल्दी से उस लकड़ी को ढूंढते हैं और खजाने तक पहुंचते हैं, इससे पहले कि जोगावर वहां तक पहुंचे। ये ठीक रहेगा, चलो जल्दी। ओए, ये सारे पेड़ तो एक समान लग रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, वो लकड़ी कहाँ लगाई थी? एक काम करते हैं, सब अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढते हैं, ओके? लकड़ी यहाँ थी या फिर वहाँ थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिल गई, और मुझे लकड़ी मिल गई, और मुझे लकड़ी मिल गई, और सुना तुम लोगों ने, अब पल्ला जी, अब भतीजे, अब मुझे लकड़ी मिल गई। चाचू, ये आपने क्या किया? हमें ये लकड़ी नहीं चाहिए थी, हमें तो उस जगह का पता लगाना था जहाँ पर ये लकड़ी लगी हुई थी। बलवान, ध्यान से हर तरफ देखो, याद करो तुमने ये लकड़ी कहाँ से निकाली। ओ जी, मुझे लगता है कि मैंने लकड़ी इस पेड़ के नीचे से निकाली थी। मुझे लगता है लकड़ी वहाँ नहीं। ओ तू रहने दे बलवान, पता नहीं और क्या क्या कारनामे करेगा। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। क्या? आइडिया, जोगावर, उसी के पास मैप है, वो मैप देखकर खजाने का पता लगाएगा और उससे हमें पता चलेगा कि खजाना कहाँ है। हम सब अलग अलग दिशा में पेड़ों के ऊपर चढ़कर छुप जाते हैं। अगर किसी को भी जोगावर दिखाई देगा तो वो एक सीक्रेट कोड यानी कि खास कर इस तरह बाकी लोगों को बताएगा। ओए बाप दीजे, क्या आइडिया लगाया है। लगता है चाचू ने जोगावर को देख लिया है, तभी इतनी जोर से खांस रहे हैं। पर ये क्या, हमेशा की तरह ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। ओहो बलवान, अच्छा खांस लेते हो तुम। अब बताओ कहाँ है जोगावर? जोगावर? ओए कहाँ है जोगावर? ओए मैं तो इसलिए खांस रहा था क्योंकि मेरे गले में खराश थी। हद ही कर दी बलवान, हम समझे कि जोगावर सच में आ गया। ओ जी, क्या एक आदमी अब चैन से खांस भी नहीं सकता? बलवंत की खांसी बहुत बढ़ गई है, उसे दवा लेनी चाहिए।
रोज़े, लगता है खजाना हमारे हाथ आ गया, आ गया, आ गया। पता है मेरे दादाजी कहा करते थे, अगर गले में खराश हो तो अदरक में थोड़ा शहद मिलाकर दूध के साथ पी जाना चाहिए। उपला साहब, उपतीजे, ओ जोगावर खजाना लेकर भाग रहा है। रोज़े, लगता है चाचा भतीजा यही कहीं है, यहाँ से जल्दी निकलना होगा, चलो। उधर रुक जाओ जोगावर, वो मेरे दादाजी का खजाना पले जी। लगता है खजाना खोने का पल्ला जी के मन पर गहरा सदमा पहुंचा है। खजाना मेरे हवाले कर दो। कभी नहीं, रोज़े मेरी मदद करो। मैं जाऊंगा तो तुझे भी साथ लेकर जाऊंगा। रुक जा, मैं कहता हूँ। ओए पतीजे, ओ जल्दी कुछ कर। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और पतीजा। दादाजी का खजाना मेरे हाथ आ ही गया। काफी भारी लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दादाजी ने अपने जमाने में कितने सोने के सिक्के जमा किए होंगे। ये क्या, आम की गुठली? दादाजी, ये क्या कर दिया आपने? खजाना कहाँ है? ये गुठली तो आम के पेड़ का बीज है। दादाजी के लिए असली खजाने का मतलब पेड़ उगाना था। इन बीज से नए पेड़ उगेंगे और पेड़ लगाने से बड़ा खजाना और क्या हो सकता है? ओए पल्ला जी, ये सोचो जब ये पेड़ बड़े होंगे तब इन पर बहुत सारे आम लगेंगे। 100 बीज से 100 पेड़ लगेंगे, 100 पेड़ पर 1000 आम लगेंगे, 1000 आम के लाखों रुपए मिलेंगे। मैं लखपति बन जाऊंगा, मैं लखपति बन जाऊंगा।